छात्र संसद निर्वाचन को नहीं रेभेन्सा कर्तृपक्ष एवं छात्र संगठन मुहांमुही प्रत्यक्ष निर्वाचन दाबी अड़ बसी मिलित छात्र क्रियानुष्ठान कमिटी आसंता 22 एवं 23 विश्वविद्यालय बंद डाकरा मिलित क्रियानुष्ठान कमिटी आसंता 21 रु 23 मध्य परोक्ष निर्वाचन कराइबा को स्थिर होता बेले मिलित क्रियानुष्ठान कमिटर बंद डाकरा जो स्थित बिगिड़ा नहीं आशंका रही सेपटे कुलपति 90% छात्र छात्री परोक्ष निर्वाचन सपक्ष में मत देते तेणु विशृंखला कले निर्वाचन बंद करने को बाध्य आज छात्र संगठन पक्ष दस्तखत अभियान आरंभ कर तेज प्रत्यक्ष निर्वाचन दाबी रे विभिन्न छात्र संगठन से धारणा एवं बंद डाकरा को बलवत्तर रखिंट रेभेन्सार निर्वाचन कर्तृपक्ष एवं छात्र संगठन मुहांमुही परिस्थिति उपजी प्रत्यक्ष निर्वाचन दाबी रे मिलित छात्र क्रियानुष्ठान कमिटी वर्तमान बंद डाकरा आसंता 22 एवं 23 विश्वविद्यालय बंद डाकरा संगठन तेज पूर्व कुलपति कहते परोक्ष निर्वाचन कर प्रत्यक्ष निर्वाचन होबना कारण कुलपति जुक्ति थिला जे बारंबार रेभेन्सारे जो गंडगोल परिस्थिति उपजुच्ची ताठू बर्तिबापाई एवं पिलांक मध्यरे गोटे श्रृंखलित वातावरण आणिबापाई परोक्ष निर्वाचन कराजिबो छात्र प्रतिनिधि माने सेमाने बाछिबे छात्र माने सेमानकर प्रतिनिधि बाछिबे किंतु प्रत्यक्ष निर्वाचन दाबी रे वर्तमान पर्यंत अड़ी बसी विभिन्न छात्र संगठन रेभेन्सारे प्रत्यक्ष निर्वाचन दाबी रे मिलित छात्र क्रियानुष्ठान कमिटी वर्तमान बंद डाकरा आसंता 22 एवं 23 विश्वविद्यालय बंद डाकरा क्रियानुष्ठान कमिटी अधिक आलोचना पई सीधासळख जिबा रेभेन्सा परिसर को सेठा अछंती हम प्रतिनिधि नभेश महांती नभेश वर्तमान स्थिति कोन कहूची रेभेन्सार एवं दस्तखत अभियान केते बाट गलानी रेभेन्सार विश्वविद्यालय जदि स्थित कथा बंद कह तेज मुझ कैमेरा पर्सन बट्टघोष अनुरोध करुँ देखा चाहिए डीएसओ वर्तमान गोटे राली जाऊँगी से राली क्लास टू क्लास बुली से पांच दिन है ये पिला प्रवर्ता डायरेक्ट इलेक्शन को समर्थन करूँ और भिसी जो रही विकेन्द्रीकृत प्रत्यक्ष निर्वाचन को प्रत्याख्यान करूँ आम सहित रेभेन्सा विश्वविद्यालय छात्र छात्री अच्छा सीधा सख से पचार जो मैंने कि रेभेन्सार इलेक्शन सहित कौन संपर्क नहीं कैंडिडेट हूँ ना एम साधारण छात्र छात्री पचारि बुझे से मत कौन रोचे आपणकर मत कौन रोच विश्वविद्यालय गुड़िक कलेज गुड़ाक इलेक्शन हवा कथा ना ना निहाती भाव में हवा कथा इलेक्शन कारण जेहेतु जड़े आम आम रिप्रेजेंट चूज करूँ सी आम मत नहीं भिसी पाखे उपस्थापन करती जेहेतु से आम जो किसी प्रोब्लेम हुए किसी पिला छात्र छात्री मान कि हॉस्टल प्रोब्लेम हो कि लाइब्रेरी प्रोब्लेम हो कि निहाती भाव एडमिशन समय होते आम किसी असुविधा होता है से आम जो रिप्रेजेंट था कि सभापति कि आम जेनेल सेक्रेटरी से मैंने जामी जदि रेभेन्सा विश्वविद्यालय जो भिसी करकेन्द्रीकृत प्रत्येक निर्वाचन या द्वारा प्रोब्लेम सल्व हम ना प्रॉब्लम सॉल्व हम किंतु जस्ट एजुकेशनल सेक्टर रे बिकॉज एटा होची ओटे रेसिडेंशियल कॉलेज तो क्लास वाइज रे जहाँ प्रॉब्लम है हमें सीआर को कह देलु किंतु रेसिडेंशियल जो प्रॉब्लम होबा ता सॉल्यूशन करिया को के अछि हम पाकर ता हम पाकर से सॉल्यूशन ना किछि नै एंड क्लास सीआर सीए कौन कर विसीटा करके सेन्ट्रलाइज कर दौरान डिफरेन्सीएसन करदे तुम्हें तुम क्लास जाए ही लिमिटेड तुम्हें बाहर को जाइ परिबनि तुम्हें अदर्स कहा विषय रे जानि परिबनि आपन को ओपिनियन कोन आमर डायरेक्ट इलेक्शन हेल्ले होल यूनिवर्सिटी बेनिफिटेड हम किंतु जदि सीआर रही है तेज केवल पर्टिकुलर हूँ सब डिपार्टमेंट वाइज सब बेनिफिट हम जदि आज जमी यूनिवर्सिटी रे रास्ता रे पानी जमी जाऊँगी कौन हॉस्टल किसी प्रॉब्लम होती झील सहित पु सहित कौन दंगा होन से आम यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव छेड़ा हम बट सीआर छेड़ा हम ये सब घटना जहाँ कहले 10 वर्ष है आपण 10 वर्ष होगा रेभेन्सा यूनिवर्सिटी इलेक्शन होती समस्या एपर्यंत भी समाधान है कि समस्या समाधान बाटर अच्छी जदि टोटाली हटी दिजिव तो एक शोभा भी जीवन एक स्वर उठब ना एक लोक जानवाक भी पाइबन जो समस्या रोची जदि हटे दिजिव यार विशृंखला सृष्टि हम क्लास क्लास वाइज डिस्टर्बेंस सृष्टि हम पे डिस्टर्बेंस करेंगे लक्ष लक्ष टा खर्च हम आप लक्ष लक्ष टा सब कैंडिडेट मैंने खर्च करेंगे से प्रपोजल भी से आस्पेक्ट भी अच्छी सी आर आम विसी मेन फोकस रखी कि जदि डायरेक्ट इलेक्शन हम दे क्वालिटी एजुकेशन हार्म पहुंचुच्छी आम क्लास ठीक से करना दंगा हो सी बट आम कौ कि क्वालिटी एजुकेशन दरकार फैकल्टी जदि आम यूनिवर्सिटी रही है कि वोटिंग बंद करदे मैंने भल से क्लासेस डायरेक्ट इलेक्शन विभिन्न राजनीतिक दल हस्तक्षेप रोचे गंडगोल एवं इलेक्शन समय 25 लाख 30 लाख गोटे गोटे कैंडिडेट खर्च करता यथार्थ हाँ यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन जो आगुरी होता है सेटे होती किंतु बेसी चाहते इनडायरेक्ट इलेक्शन
ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଟରୀ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ 25 ଲକ୍ଷ 30 ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପିଛା ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଯଦି ସେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍କୁ ବ୍ୟାଟରୁ ହିଁ କିଣା ନେଇଯିବେ, ତ ଆମର ଭୋଟିଂ ଅଧିକାର ବି ସେଠି କିଣା ହେଇଗଲା ନା। ଭୋଟିଂ ଅଧିକାର କିଣା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବା ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହୁଛି, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବା କଥା ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିସି ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି କି ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍, ମୋ ମତରେ ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ୍। କାରଣ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ ହେଉଥିଲା, କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପିଲା ଆସୁଥିଲେ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୁସିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଆମ ସାର୍ମାନେ ସାଇଡ଼୍ ଯେନ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କହିବେ ତାଙ୍କ କଥା। ତ ମୋ ମତରେ ଏମିତି ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ବି ବେନିଫିଟ୍। ପାଠପଢ଼ା ଯେଉଁ ବ୍ୟାହତ ହେଉଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ, ପାଖାପାଖି 1.5 ମାସ ଧରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ା ହେଉନଥିଲା, ୟାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ କ୍ଷତି ସହ ପଡ଼ୁଥିଲା? କ୍ଲାସ୍ ତ ବନ୍ଦ ରହୁଥିଲା, କ୍ଲାସ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ, ପଢ଼ା ଯାହା ବି ଡିଲେ ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା ଆମ ପାଇଁ, ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ। ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଦରକାର ନା ଏମିତି ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍? ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍, ଆଇ ଏମ୍ ୱିଥ୍ ହିମ୍। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହୁଛି ଏବଂ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ମତ ସେଭଳି ରହିବ? କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିଲେ, ଏଠି ସେଠି ମରାମରି କରୁଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଦଙ୍ଗା କରୁଥିଲେ, ଏମିତିକି ହୁଏ ଦିନେ ଦିନେ ଆମ କ୍ଲାସ୍ ପୁରା ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ, ଝିଅମାନେ ଘରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି, କବାଟରେ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଅସୁବିଧା ଯେଉଁ ଦେଖାଦିଏ, ଆମେ ସବୁ ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଭିସି ଯେଉଁ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ନେଇଛି ସେଇଟା ଠିକ୍। ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିଛି, ଭିସିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ନା ଏପଟେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ? ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ସପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ମତ ରଖୁଛନ୍ତି, ତ କେତେ ଜଣ ଭିସିଙ୍କ ଫରରେ ଯାଉଛନ୍ତି? ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ, ଏବଂ ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ 22 ଏବଂ 23 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇସାରିଛି, ସେ ନେଇ ଆଗକୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ରହୁଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ।